मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई जमी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी शराह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल कदतम मिन लिसानी यफकहु कौली। रब्बे जिदनी इल्मा सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَنَبِيُّوں میں رحمت لقب پانے والا वो नबियों में रहमत लखब पाने वाला मुरादे गरीबों की बरलाने वाला मुसीबत में गैरों के काम आने वाला वो अपने पराए का गम खाने वाला फकीरों का मलजा ज़ईफों का मावा यतीमों का वाली गरीबों का मौला। सदकल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह मालिक कायनात खालके कायनात दी जात वास्ते दरूद और सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन जनाब रहमतुल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात मुबारक वास्ते अदरा सामीन। अल्लाह मालिक कायनात ने मेरे और तेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम नू बेशुमार और बेमिसाल औसाफ़े हमीदा दे नाल नवाजिया। अदरा सामीन मेरे और तेरे महबूब पैगंबर मक्की मदनी सरकार अलैहिस्सलाम नू
अल्लाह मालिक कायनात ने बहुत सारिया अजमतां और इज्जत नाल नवाजिया है और आपनों बेमिसाल और बा कमाल और साफ अता कीते ने, जिंदे विचों एक वसफ रहमतुल लिल आलमीन वाला है। तो हजरात सामीन, अल्लाह मालिक कायनात ने अपने कुरान मजीद के अंदर आदे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दे औसाफ विचों जरा वसफ अता कीता है, ये वसफ दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम नहीं मिलिया। अल्लाह मालिक कायनात ने कुरान मुकद्दस की इस आयत मुबारक बयान करके दस दिता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, असा तुहानू सारे जहान वालों वास्ते रहमत बना के मबूस कीता है। तो हज़रात सामीन, रहमत दा मानी और मफहूम किए तो इस मानी नू समझन वास्ते एक मारूफ और मशहूर सीरत नगार काजी सैयद सुलेमान मंसूर पूरी रहमतुल्ला अलैह ने अपनी किताब रहमतुल लिल आलमीन विच लफ्ज़ रहमत दा बड़ा प्यारा जा मानी और मफहूम बयान कीता है। आइए गौर करना और रहमत दे मानी कैसे प्यारे प्यारे ने। मेरे और तेरे महबूब पैगंबर रहमत बन के आए ने ते सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने के रहमत बने ने। आ सीरत की किताब पढ़िए, लिखिया है कि मेरे और तेरे महबूब पैगंबर प्यार करने वाले बन करके आए, रहमत दा मानिए मोहब्बत और आप दे सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और गैर मुस्लिम दी खबरगिरी करने वाले बन करके आए। मेरे और तेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम आए, लोगों ते तरस करन वाले आए, हमदर्दी और गम कसारी दा सबक देन वाले बन करके आए। तो हजरात सामीन मोहतरम, सुनिए मेरे और तेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम कैसे रहमत बने ने। अगर मेरे महबूब पैगंबर किसे इंसान नू गमजदा और परेशान हालच देख दे ते आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी अख मुबारक विचों आंसू जमीन ते गिर दे, आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम उन्दे वास्ते मदद करन वास्ते तैयार हो जांदे। सीरत दी कुतब अंदर लिखिया है, अगर आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम किसे हाजतमंद ते जरूरतमंद इंसान नू वेख दे ते आप दे रहमत वाले हाथ बुलंद करके उन्दे वास्ते अल्लाह दे हाँ गिड़गिड़ा करके रो करके दुआ कर दे, आसमान तो अल्लाह जुल जलाले वाल इकराम उन्दे वास्ते रहमतां दा नजूल फरमा देंदा। तो हज़रात सुनिए, इस वास्ते अल्लाह मालिक कायनात ने अपने महबूब अलैहि सलातो व सलाम दी तारीफ बयान कीती है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
ए मेरे महबूब जी असि तुहानू रामत बना के महबूस कीता है तो हजात इत्थे गौर करना आलमीन दा लफज आया है मेरे ओ तेरे महबूब पैगंबर तमाम जहाना वास्ते रामत बन के आए ने आलमीन आलिम दा जमाए जिंदा मानिए जहान जिंदा मानिए दुनिया गौर करना हुन उलमाए इकराम दा अहले इलम दा इंदे बारे मुख्तलिफ अकवाल ने कोई अहले इलम लिखदा है के लोगों के 70,000 जहान कोई अहले इलम लिखदा है के 18,000 आलम 18,000 जहान कोई अहले इलम लिखदा है के 14,000 आलिम दुनिया है तो हजरात इस इख्तलाफ दूर करने वास्ते इमामुल मुफस्सरीन हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखिया है आंदे लोगों जब तक किसी चीज दे बारे अंदर कोई सही दलील ना मिल जावे उस वक्त तक उस बात नु यकीनी तौर ते नहीं किया जा सकदा तो सुनिए ना मेरे और तेरे महबूब अलैहि सलाम ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल कीता फरमाया मेरे महबूब दस दे वो लोगों नु वमा यालम जनूद रब्बिका इल्ला अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे महबूब आपदी उम्मत दे लोगों नु दस दे वो की दसना या अल्लाह जी दसो ना आप दे उम्मतियां नूं के अल्लाह दी जात इन सारे लश्करां दे बारे इलम रखदा है और कोई नहीं जानदा किसे नूं इलम गैब नहीं है तो हजरात मेरे और तेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दे बारे अल्लाह इसे वास्ते ते हुक्म जारी करके कह रहे ने फरमाया वा मा अरसलना का रहमतन लिल आलमीन आका अलैहिस सलाम सारे जहान दे लोगां वास्ते रहमत बन करके आए ने हजरात नु जोरा गौर करिया जे अल्फाजां दे उपर एक जहान इंसाना दा एक जहान एवाना दा नबातात जमादात दा भी जहान जनाब परिंदियां ते चरिंदियां दा भी जहान है फसलां ते जमीना दा जहान है जाबी जानवरां ते खुशकी ते जानवर रहन वालां दा भी जहान है लेकिन सारयां वास्ते मेरे और तेरे महबूब नबी अलैहि सलाम रहमत बन करके आए ने आइए कितने करामत ने रब दा कुरान इस बात दी दलील पेश करदा है फरमाया वा मा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन आका अलैहि सलाम मर्दां ते औरतां वास्ते भी रहमत बन करके आए अपने ते बेगानियां वास्ते भी रहमत बन करके आए काफरां ते मुसलमानां वास्ते भी रहमत बन करके आए आका कितनी करामत बन के आए ने मुवाहिदीन ते मुशरकीन मक्का वास्ते भी रहमत बन करके आए ने ते सच्ची रब दे कुरान ने आख्या है वामा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन आका अलैहि सलाम सारे जहाना वास्ते रहमत बन के आए ने अल्लाह पाक ने आलमीन दा लफ्ज इस्तेमाल कीता है हुन जरा गौर करया जे अल्लाह पाक ने कुरान मुकद्दस दे विच चार जगह ते लफ्ज आलमीन इस्तेमाल कीता है और पहला लफ्ज मैं बयान पढ़न लगावा अल्लाह पाक ने अपना तारफ करवाया अपनी जात दा तारफ करवान वास्ते अपने इख्तियारात नु मनवान वास्ते अल्लाह जुल जलाल ने इत्थे भी लफ्ज़े आलमीन इस्तेमाल कीता ते फरमाया
अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के तमाम तारीफा अल्लाह रब्बुल आलमीन वास्ते ने हजरात अल्लाह पाक ने कुरान मुकद्दस नु नाजल कीता। कुरान मुकद्दस तो पहले अल्लाह पाक ने तीन किताबा नाजल कीतियां, चौथी किताब कुरान मुकद्दस नु नाजल कीता, तौरात अंजील ते जबूर कीती नाजल कीतियां। कुरान मुकद्दस नु नाजल कीता है लेकिन सारिया किताबा दे विचों इस आखिरी किताब दा तआरफ करवाण वास्ते अल्लाह मालिक कायनात ने कुरान नाजल करके फरमाया, मेरे महबूब जी लोगों नु दस देवो कि दसना फरमाया, इन हुवा इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, ए कुरान मुकद्दस आलमीन वास्ते नसीहत बन के आया है। लोगों एक कुरान नसीहत बन के आया, इस कुरान दे अंदर बड़िया बड़िया नसीहतां ने साबका अंबिया अलैहिस्सलाम ते उन्हां दी उम्मत दे होने वाले आजाबात अज तेरे मेरे वास्ते नसीहत अमो सबक ने। अगर के असी अल्लाह दे कुरान दी तलावत करिए ते पढ़िए ते सानू मालूम होंदा है कि जिन्ना लोगों ने वक्त दे नबी दी कदर नहीं कीती, उन्दी इतात फरमा बरदारी नहीं कीती, उन्ना दे उपर अल्लाह दे अजाबात आए ने। तो अलगरज लोगो दूसरे नंबर ते अल्लाह जुल जलाल ने ए प्यारा जा कुरान बड़ी प्यारी ते मुकद्दस किताब कुरान नाजल कीता ते फरमाया, इन हुवा इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, असी इस कुरान आलमीन वास्ते नसीहत बना के नाजल कीता है। ए पे कैसा प्यारा कुरान है जिंदा बड़ा तर्जमा शान कीता है, आंदा एक एक हरफ दस दस नेकियां ने मिलदियां। कुरान मुकद्दस दाम एक हरफ पढ़िए ते दस नेकियां मिलदियां ने। सहाबी रसूल बयान करता है, अल्लाह दे नबी ने एक दिन बयान कीता, फरमाया, मेरे सहाबा जरा बंदा कुरान दा एक हरफ पढ़े अल्लाह पाक उस बंदे नू दस नेकियां अता करता है। इस हदीस पाक दा तर्जमा पियांदा है, फरमाया, एक एक हरफ दस दस नेकियां ने मिलदियां, हुंदियां ने दूर से आईयां जो ने दिल दियां, जन्नत दियां हूरां नाल वेख के ने खिलदियां, अल्लाह ने तेरी किस्मत चंगी बनाईया। ये बड़ी प्यारी मुकद्दस किताब है जिसन पढ़न वाले तेन वेख के जन्नत दूरां भी खुश पियादियां ने। फरमाया, जन्नत दियां हूरां वेख के ने खिलदियां, अल्लाह ने तेरी किस्मत चंगी बनाईया। खोल के सुन लो मेरे भाइयो ते बहनानी, कान खोल के सुन लो मेरे भाइयो ते बहनानी, पढ़ ले कुरान जे कुछ मरतबा ई लैनाई, तू इस जहान उते सदा नहीं बैठ रहनाई, शायद अज कल मौत सिर ते आईया। हज़रात गौर करिए अपने और मेरे मुआशरे अंदर वेखिए कितने कितने अल्लाह दे बंदे आए ने, आखिरकार दुनिया नू छोड़ के चले गए ने, मौत नहीं वेखदी कि इस खतीब दी जरूरत है, मौत नहीं वेखदी कि वालदैन नू इस औलाद दी जरूरत है, मौत नहीं वेखदी कि बच्चे नू वालदैन दी जरूरत है। अलगरज लोगो अपनी अक्खां दे सामने वेख लवो, अज 12 रबीउल अव्वल दा दिन ने मेरे और तेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम इस दुनिया नू छोड़ गए, ते सैयदा फातिमा तज़ारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे अखां चों आंसू जारी ने। जनाब सैयदना हुसैन करी मैनू वेखो रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, जिन्हां दे अखां चों अज नाने दी जुदाई ते आंसू जारी ने। हज़रात इस 12 रबीउल अव्वल दे दिन नू
वेखो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन अखां चो आंसू बहांदे होए ढाई मारदे होए रोंदे नजर आंदे सैयद बुखारी पढ़िए तो हजरात मेरे ओ तेरे महबूब पैगंबर भी दुनिया ते नहीं रहे। इस दुनिया दे ऊपर जितने नेक आए ने ओ नेक भी चले गए, जितने बद आए ने ओ भी दुनिया नु छोड़ करके चले गए, जितने वली अल्लाह दे आए ने छोड़ के चले गए। मेरी मुराद वेखो ना मौलाना हाजी अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे अल्लाह दे नेक बंदे इस जमीन ते रहन वाले ओ दुनिया नु छोड़ करके चले गए। ओ लोगो मेरे ओ तेरे महबूब कायद जनाब अलामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह किदे नजर आउंदे ने हबीब रहमान यजदानी रहमतुल्लाह अलैह। तो हज़रात वेखो ना अपने अखां दे सामने कितने जनाजे उठदे ने ते शायर भी इसे बात दी तर्जमानी पे करदा है आंदा कन खोल के सुन लवो मेरे भाइयो ते बहनानी पढ़ लवो कुरान जे कुछ मर्तबा ही लेनाई तू इस जहान उत्ते सदा नहीं बैठ रहना शायद अजकल मौत सिर उत्ते आईया ते फिर शायर गंदा गौर करना ते तेरे थी सोने कितने इस दुनिया ते आए ने इत्थे आके कईयां ऐश मनाए ने आ गई मौत उठ पिछां उठाए ने कबरां विच दबे किसे जात ना पाई आजात वेखो ना कब्रस्तान दी तरफ कितने कितने साढ़े प्यारे दुनिया तू चले गए जिन्हां असी अपने हाथों के नाल कब्र च दफन करके आ जाने तेरी इस मस्जिद नूं आबाद करन वाला वो कितने नजर नहीं आंदे बाबा बशीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे अल्लाह दे नेक बंदे दुनिया नूं छोड़ करके चले गए ते कब्र दे सुपुर्द कर दिते गए ने। तो हजरात गौर करना अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दा जिक्र हो रहा अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर नूं रहमत बना करके महबूस किया है। बात हो रही सी कि अल्लाह पाक ने चार मुकाम ते लफ्ज़ आलमीन इस्तेमाल किया है आपदा तारफ करवाया ते आख्या अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह पाक ने कुरान दा तारफ करवाने वाले पर फरमाया इन हुवा इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन अल्लाह पाक ने बैतुल्लाह शरीफ दा तारफ करवाने वास्ते खाना काबा दा तारफ करवाया है। उदों तारफ करवाने वास्ते अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे महबूब जी दसते वो लोगों नू इस बैतुल्लाह शरीफ दा मैं तारफ करवान लगा। फरमाया अल्लाह पाक ने इन्ना अव्वल बैतिम वज़िअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिल आलमीन अल्लाह पाक फरमांदे लोगो इस बैतुल्लाह शरीफ नू असी खाना काबा नू लोगां वास्ते हदायत दा मरकज बनाया है। तो हजरात अल्लाह अगे दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक जिंदगी दे विच मौका देवे ते बैतुल्लाह शरीफ दी ज़ियारत दी तौफीक देवे और अल्लाह पाक सब नू बैतुल्लाह और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत दी तौफीक दे। तो हजरात बात हो रही है तीसरे नंबर ते अल्लाह पाक ने लफ्ज़े आलमीन इस्तेमाल करके बैतुल्लाह शरीफ दा तारफ करवाया फरमाया बैतुल्लाह भी सारे जहान दे लोगों वास्ते रहमत और बरकत ते हदायत दा मरकज़ है। और चौथी आयत मुकद्दसा अंदर मेरे और तेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दा तारफ करवाया है। हजरात एक लख चौबी हज़ार अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया ते आए ने। अल्लाह पाक ने आखिरी पैगंबर मेरे और तेरे महबूब नबी मक्की मदनी सरकार अलैहिस्सलाम दा तारफ करवा लग्या फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाया लोगो मेरा पैगंबर भी सारे जहाना वास्ते रहमत बन के आया। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम रहमत बन करके आए ने
रहमत किन्ना किन्ना वास्ते बन करके आए ने। कुरान मुकद्दस दी आयत दस दिए फरमाया मेरा महबूब पैगंबर वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहान दे लोगों वास्ते रहमत बन करके आया है। आप अलैहि सलाम दुनिया ते आने नेकोकार लोगों ते बदकार वास्ते भी रहमत बन करके आए ने। आका अलैहि सलाम दुनिया ते आने मर्द ते औरतां वास्ते भी रहमत बन करके आने। आका दुनिया ते तशरीफ लिया आयने अरबी ते अजमिया वास्ते भी रहमत बन करके आयने। अकल इस्लाम दुनिया ते आयने हर इंसान वास्ते हर बंदे वास्ते रहमत बन करके आयने। तो आइए गौर करना, अल्लाह पाक ने पुराने मुकद्दस दे विच बयान कीता है मेरे ओ तेरे महबूब पैगंबर रहमतुल आलमीन बन करके आयने। अल्लाह पाक ने बयान कीता मेरे महबूब जी दस दे वो लोगों नू मेरा महबूब कितना करामत है। अल्लाह पाक फरमांदे ने लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। फरमाया मेरे महबूब जी लोगों नू दस देवो मेरा पैगंबर ते आपकी उम्मत वास्ते भी रहमत बन के आया। नबी अलैहिस्सलाम उम्मत वास्ते भी रहमत। अल्लाह पाक फरमांदे ने महबूब पैगंबर आपका तारफ करवाओ। फरमाया लकद जाअकुम रसूलुम, जरा तुहाडे कोल मेरा रसूल आया है, जरा मेरा रसूल तुहाडे विच कोल आया है, वो तुहाडे विचों ही है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, उस रसूल नू तुहाडे उपर आने वाली जड़ी मुश्किल है वह बर्दाश्त नहीं है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मेरा महबूब पैगंबर ते मोमना वास्ते रऊफुर रहीम बन के आया है। हुन आइए गौर करना, आका अलैहि सलाम आपकी उम्मत वास्ते भी रहमत बन करके आए ने। कितनी की रहमत बन के आके आए ने। आइए कुरान मुकद्दस अल्लाह पाक ने बयान किया है, अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम का प्यारा साहबी बयान करता है। आंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कुरान पाक दी तिलावत फरमा रहे सन। सही मुस्लिम शरीफ विच लिखा है, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अनु बयान करदे ने, आका अलैहि सलाम एक दिन कुरान पाक दी तिलावत करदियां करदियां सूरत अमर इब्राहिम ते पहुंचे। सैयदना इब्राहिम अलैहि सलाम दा जिक्र पढ़न लग पे। इब्राहिम अलैहि सलाम ने आदि कौम दे बारे अल्फाज आखे सन, आखन लगे रब्बे इन्ना हुन्ना अज़लना कसीरम मिन से फमन तब अनी फ इन मिन्नी वमन असानी फ इन का गफूर रहीम। सैयदना इब्राहिम अलैहि सलाम अल्लाह दे सामने दुआ कर दिन, मेरे अल्लाह इन्हों लोगों जे अक्सरीयत ए बातले मबूदा दे पैरोकार बन चुके ने, मेरे अल्लाह जिन्ना ने मेरी पैरवी की ओ तो मेरे उमती बन गए, जिन्ना ने मेरी ना फरमानी की उन्हों का मामला तेरे सपूर दे। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम कुरान मुकद्दस दी इस आयत मुबारक नू पढ़ रहे ने। पढ़द्या पढ़द्या अगे अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने एक और पैगंबर का जिक्र पढ़िया, जनाब सैयदना ईसा अलैहि सलाम। उन्होंने भी आपकी कौम का वेख्या, उन्होंने कौम भी शिरक मुबतला है, मुशरकीन हो चुकी है, अल्लाह दे नबी की गल नहीं मनी। आखिरकार सैयदना ईसा अलैहि सलाम ने भी आख दिता, फरमाया इन तो अस्सिबहुम फइन्नहुम इबादुकम व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सैयदना ईसा अलैहि सलाम आपकी कौम दे बारे अल्लाह पाक नूं कहंदे ने, मेरे अल्लाह ए तेरे बंदे ने, अगर इन्हां ते तू अजाब करे ते तेरे बंदे ने, जे माफ कर लवे ते तेरी रहमत है, तू गालिब ते हिकमत वाला है। जदों ए पैगंबरां दी गल सुन पड़ी, मेरे तेरे महबूब पैगंबर अले
इस्लाम ने अखा उच आंसू जारी हो गए। अल्लाह दे नबी रोन लग पे, मेरा महबूब पैगंबर अखा उच आंसू बहा करके रो रहा है। तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक नज़र का दिता, अल्लाह दी जात आलिमुल गैब है, या इल्मे गैब रखन वाली है, लेकिन मेरे और तेरे महबूब पैगंबर दी अजमत ते इज्जत नु और ज्यादा बढ़ाने वास्ते अल्लाह पाक ने सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम नज़र किया। फरमाया, जा मेरे जिब्रील, मेरे तेरे महबूब रो रहे सन। अल्लाह दे नबी ने जो इन्हां साबका अंबिया अलैहिस्सलाम दा जिक्र पढ़िया ते हाथ बुलंद कर ले, फर रफा यदैहि काला अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती फबका। अल्लाह दे नबी हाथ बुलंद किते ने उम्मत वास्ते ते रोई जा रहे, अखा चो आंसू बहाई जा रहे, अल्लाहुम्मा उम्मती दे अल्फाज कही जा रहे। अल्लाह मेरी उम्मत नु माफ कर दे, मेरी उम्मत ते रहम कर दे, मेरी उम्मत नु माफ कर दे, बार बार अल्फाज कहते रोई जा रहे ने। अल्लाह पाक ने सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम भेजिया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आ करके कहते महबूब जी, अल्लाह पाक फरमा रहे ने, दसो किस वजह तू रो रहे जे। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमान लगे, जिब्राइल अल्लाह पाक लगे मैं दुआ कर रहा कि अल्लाह मेरी उम्मत ते रहम नाज़िल कर, मेरी उम्मत ते मगफरत नाज़िल कर, मैं इस वजह तू पे रोना। अल्लाह दे बड़े बड़े अजाबात ने, क्यामत दे दिन अल्लाह पाक लोगों नू बड़े गिरफ्त च पाएगा, उन्हां ते लोगों ते बड़े बड़े अजाबात आनगे, मैं इस वजह तू रो रहा आपकी उम्मत दे बारे। नबी अलैहिस्सलाम दा इस जवाब सुन के जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह दे कोल गए ते जा करके अल्लाह पाक नू दस्या, अल्लाह जी तुहाडा महबूब इस वजह तू रो रहा है कि मेरी उम्मत रहम कर देवो, मेरी उम्मत नु माफ कर देवो। जो ये अल्लाह पाक ने अल्फाज सुने, फरमाया, जा जिब्रील, जा मेरे महबूब पैगंबर नु कह दे, इन्ना सानुरजी का काम, फरमाया इन्ना सानुरजी काम फी उम्मत काम, फरमाया मेरे महबूब जी असी तुहानू क्यामत दे दिन थोड़ी उम्मत दे बारे खुश कर देवांगे। यानी महबूब जिस तरह तुसी चाहोगे थानू खुश कर देवांगे। तो हजरात मालूम होया, मेरे और तेरे महबूब पैगंबर रहमतुल आलमीन बन करके आ रहे, अपने वास्ते भी रहमत ते बेगानियां वास्ते भी रहमत, दुश्मनों वास्ते भी रहमत ते दोस्तों वास्ते वास्ते भी रहमत बन करके आए ने। क्योंकि अल्लाह पाक फरमांदे ने, फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन। तो हजरात किस किस मौके ते वेखिए मेरे और तेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने आपकी उम्मत नू याद किया है, उम्मत नाल प्यार किया है। और वेखो ना जे सफ़र का वक्त आया है, अल्लाह दे नबी ने सफ़र के मौके ते भी उम्मत नू याद रखा है। जे अल्लाह दे नबी हजर विच ने ते फिर भी उम्मत नाल प्यार है, उम्मत नू याद पे करदे ने। जो दुआवां कीतियां ने दुआवां विच भी उम्मत नू याद किया है। तो हजरात हर मौके ते मेरे और तेरे महबूब पैगंबर उम्मत नाल प्यार पे कर देन। जे अल्लाह दे नबी मस्जिद तशरीफ लियाउंदे न, मस्जिद विच भी अल्लाह नू पे याद कर देन। जे घर गए ने, घर जा करके भी अल्लाह दे नबी ने उम्मत नू याद रख्या है। आ मैं एक ते सामने छोट मुख्तसर करके वाकया रखा, आ मेरे और तेरे महबूब पैगंबर ने सफ़र किया है। ये वाकया मेराज, अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर नू सफ़र करवाया है, मेराज दा वाकया। अल्लाह पाक फरमांदे ने, मेरे महबूब जी दसते वो लोगों नू, सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी। लोगो ए मेरे और तेरे महबूब पैगंबर दा सफर है, आप नू अल्लाह पाक ने मेराज करवाई है। उस वक्त भी अल्लाह दे नबी ने आदे महबूब पैगंबर दे अपने महबूब पैगंबर इस्लाम दी जबान चो निकल वाले अल्फाज बयान किए ने। ये सहाबी रसूल किस अंदाज बयान करता है, फरमाया मेरे और तेरे महबूब पैगंबर ने मस्का शरीफ च लिखा है, मेरे और तेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम ने जो जन्नत की सैर कर लिए, जन्नत मिलन वाले महल वेखे, खजूरां वेखियां, बागात वेखे ते नहरां वेखियां ने, अल्लाह दे नबी ने सारी जन्नत की सैर कर लिए। सैर करके अल्लाह पाक ने हम कलाम होए ने, अल्लाह पाक ने हम कलाम होते, अल्लाह पाक ने पूछा मेरे महबूब जी
मेरे को जो आयो ते की तोहफा मेरे वास्ते लेकर के आयो। ते अल्लाह दे नबी ने उस वक्त अल्लाह दे सामने तीन चीजा पेश कीतियां, फरमाया अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह मेरी माली इबादत तेरे वास्ते, मेरी बदनी इबादत तेरे वास्ते, मेरी कौली इबादत तेरे वास्ते, मेरे और तेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तीन इबादत अल्लाह दे सामने पेश कीतियां। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब जी जे तुसी तीन चीजा साडे वास्ते लेकर के आए हो तो असी भी तोहफे चों तीन चीजा पेश करने आए। फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीयू व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मेरे महबूब, ए मेरे नबी जी, तुहाडे उत्ते भी साडी तरफों रहमत ते सलामती ते बरकतां दा नजूल होवे। तो हजरा ए कौन है? मेरे और तेरे महबूब पैगंबर ने इस मौके ते भी अल्लाह दे नबी ने आपकी उम्मत नु याद कीता है। फरमाया मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत दे नेक ते साले बंदा दा वास्ते की तोहफा है? अल्लाह पा ने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ए मेरे महबूब जी, तेरी उम्मत दे नेक बंदे, फरमा बरदार, मुतकी, मेरे को डरन वाले, तेरी इताअत करन वाले बंदे, उन्हां ते भी साडी तरफों सलाम होवे। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े सन, जदों ए गुफ्तगू हो रही है, मुकालमा हो रहा है, ते सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कह दिता अशहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह दे नबी ने मुकालमा अल्लाह नाल कीता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम गवाह बन गए ने। इस तशहाद नू अल्लाह पाक ने इतना पसंद कीता है कि लोगो इस तशहाद नू अल्लाह पाक ने निमाज दा हिस्सा ही बना दिता है। मालूम होया कि मेरे और तेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए और अल्लाह पाक ने आदे महबूब पैगंबर इतना प्यारा लकब अता कीता है जरा किसी और नबी नु लकब अता नहीं कीता। अल्लाह पाक फरमांदे ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे महबूब जी, असी तुहानू सारे जहाना वास्ते रहमत बना के मबूस कीता है। तो हजरात वेखी कितना प्यारा लकब है। आओ सबका अंबिया अलैहिस्सलाम दी सीरत नु पढ़िए। अल्लाह पाक ने अंबिया मबूस की तीन, 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया ते आए ने, जिन्ना विचू चंद अंबिया अलैहिस्सलाम दा जिक्र, उन्हां दा नामे मुबारक कुरान मुकद्दस अंदर भी है, अहदीस मुबारक अंदर भी है। फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया मेरे महबूब जी, आ वेख जरा तेनू लकब अता कीता, पहले अंबिया नू नहीं अता कीता। आ नजर दौड़ाउना अजनाब कौन है? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने, ए पहले नबी ने, सारे इंसाना दे बाप ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम नू दुनिया ते भेजा नबी बना करके। अल्लाह पाक ने लकब अता कीता है, फरमाया जा आदम, आदम तेनू सफीहुल्लाह बना के मबूस कीता। अल्लाह पाक ने लकब अता कीता है ते सफीहुल्लाह दा, जनाब नूह अलैहिस्सलाम दुनिया ते आए ने नबी बन करके। अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम लकब अता कीता नजीहुल्लाह दा। अल्लाह पाक ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया ते मबूस कीता, लकब अता कीता खलीलुल्लाह दा। इस्माइल अलैहिस्सलाम दुनिया ते आए ने, अल्लाह पाक ने इस्माइल अलैहिस्सलाम लकब अता कीता ज़बीहुल्लाह दा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया ते तशरीफ लिया ने, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने लकब अता कीता कलीमुल्लाह दा। मेरे और तेरे महबूब पैगंबर तू पहले आने वाला नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया ते आए ने, अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम लकब अता कीता रूहुल्लाह दा। मेरे और तेरे महबूब पैगंबर दा नंबर आया, अल्लाह पाक ने कह दिता महबूब जी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे महबूब, असी थानू सारे जहाना वास्ते रहमत बना दिता है। और कैसे नबी रहमत बन करके आए, कितने अल्लाह पाक ने अजमत और इज्जत नसीब कीती है। तो हजरात कुरान मुकद्दस दी आयत मुबारक दस दिए कि अल्लाह दे नबी सारे जहान वाले लोगों वास्ते रहमत बन करके आए ने। इस जहान के अंदर काफर भी ने, मुसलमान भी ने,
उन्होंने सारिया वास्ते अल्लाह के नबी रहमत बन करके आए ने। आ मैं तेरे सामने एक काफ का जिक्र करना चाहना। मेरे तेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो असलाम ने जदों नबूवत का ऐलान किया है, आका अलैहि सलातो असलाम ने ऐलान नबूवत किया है, लोगों को कलमे की दावा दी है, बुतों की पूजा तो मना किया है, एक खुदा की खुदाई तू मन का इजहार किया है, अपनी इताअत फरमा बरदारी का हुक्म जारी किया है। उस वक्त मक्का मुअज्जमा देश रहने वाले लोग जड़े आका अलैहि सलाम नु सादिक ते अमीन आखदे सन, आप अलैहि सलाम दे कोल अमानता रख्या करदे सन, ओह मक्के दे मुशरकीन, ओह मक्के च रहने वाले काफिरीन, उन्होंने मुखालफत करनी शुरू कर दी है। कितनी मुखालफत शुरू की है? अल्लाह दे नबी सल्लम जिस बाजार च गुजरदे सन उस बाजार च लिया करके कंडे सुट देंदे सन। मेरे तेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम नु कतल करन दे इरादे किए गए, मेरे तेरे महबूब पैगंबर ते बड़े बड़े जुलम किए गए। आखिरकार लोगों एक वक्त इंदा भी आया, बैतुल्ला शरीफ दे सहन विच अल्लाह दे नबी नमाज अदा कर रहे सन। अल्लाह दे नबी मस्जिद बैतुल्ला शरीफ विच नमाज पढ़ते पै सन, एक काफरां दा ग्रोह आया है। उन्होंने काफर आखन लगा, कोई है बंदा जिहड़ा इस नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ऊंठ की गंदी उजरी सुट देवे। मेरे उतरे महबूब पैगंबर नमाज शुरू की हुई है, रुकू किया, क्याम किया, रुकू किया, रुकू तू खड़े होने बाद आप सजदे की हालत च गए ने। उन्हें काफरां ने गंदे ऊंठ की उजरी लिया करके अल्लाह दे नबी दे उपर सुट दी है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अनु गुजरे ने, छोटा जा कद, छोटे छोटे हाथ ने कोशिश की है कि वह ऊंट की ओझरी जमीन ते गिर जाए। आका अलैहि सलाम सिर सदे उठा लवन, लेकिन कद भी छोटा है, हाथ भी छोटे ने, ताकत नहीं इतनी है कि ओझरी उठा सकन। आखिरकार के दौर के अल्लाह दे नबी दे घर तशरीफ ले गए। सैयदा फातिमा तज़ारा रजी अल्लाह तआला अनहु दस्या तकरीबन 5 साल सैयदा फातिमा की उम्र है, आप नाल आइए ते आ करके अब्दुल्ला बिन मसूद नाल मिल के उन्होंने ओजरी उतारी है। तो जो ओजरी उतार दी, नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरिया है, तो वे क्या कर फातिमा तज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नन्ने मुन्ने जे छोटे छोटे हाथ उठा करके बद्दुआ वास्ते हाथ बुलंद किए ने, मेरे अल्लाह ना मुशरकीन ते काफरों तबाह कर। मेरे महबूब ने जल्दी ना हाथ पक ले, फरमाया बेटा फातिमा इन्ना वास्ते बद दुआ नहीं है, इन्ना वास्ते हदायत दी दुआ कर। तो मालूम होया मेरे महबूब अलैहि सलाम इतने मुश्किल वक्त दे विच भी उम्मत नू उन्ना वास्ते रहमत बन करके आए ने, और काफिरीन वास्ते भी रहमत बन करके आए ने। ताइफ दी तरफ नजर मार लवो, मेरे तेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलाम ताइफ विच गए ने, जा करके उन्होंने तबलीग की है, लोगों ने मुशरक काफरां ने अल्लाह दे नबी दे पीछे लड़के लगा दिते, शरारती लड़के, उन्होंने झोलियों च पत्थर पाए ने। अगे अगे अल्लाह दे नबी ने तो नाल गुलाम ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ये काफरां दे बच्चे ने आपे हत्थां विच पकड़े ने पत्थर, झोली च पत्थर ने, अगे अल्लाह दे नबी ने पिछे ने पत्थर मारदे ने। अल्लाह दे नबी दे सर मुबारक तो खून चलना शुरू होया है, जुत्ती मुबारक चला गया है, आपदी इतना खून निकलिया, जुत्ती मुबारक खून भर गई है। आखिरकार दौड़ करके एक बाग दे विच पना लिए, अंगूरां दे बाग विच, अल्लाह पाक को सब जगह दिखावे, वो मैं जगह वेखी है जिथे अल्लाह के नबी सलम ने आराम किया है, वो ताइफ का इलाका जिथे महबूब अलैहिस्सलाम ते जुल्म व सितम होए, वो कौन सा वो काफिरीन सी, वो काफरां दी जमात जे नबी अलैहि सलाम ते जुल्म करन वाली। आखिरकार उस बाग दे विच अल्लाह दे नबी ने पना लई है, अल्लाह दे नबी दे कोल जिब्राइल अलैहि सलाम आ गए, मुख्तसर करके इशारा कर रहे हैं, अल्लाह दे नबी दे कोल जिब्राइल आ गया, महबूब जी अल्लाह दा हुक्म है, मैं आया अल्लाह दी तरफों, अगर के आर्डर करो आ दो पहाड़ां दे दरम्यान आ वस्ती है ताइफे, इस दो पहाड़ां दे दरम्यान रख करके वस्ती नूं पी दईए, इनू खत्म कर दईए, तबाह कर दईए, तुसी चाहुंदे हो। अल्लाह दे नबी ने हथ बुलंद कीते ने, ते सैयदना ज़ैद बयान करदा है अल्लाह दे नबी ने दुआ वास्ते हथ बुलंद कीते ते फरमाया अल्लाहुम्मा अहदि कौमी फ इन्नहुम ला यअलमून।
रसूल मेरे अल्लाह इन्हां ताइफ वालों नूं हदायत दे दे, ये मैनूं जानदे नहीं ने। यानी इतनी तकलीफां दे बावजूद फिर भी अल्लाह दे नबी सल्लम काफरां वास्ते भी रहमत उन्हां वास्ते भी हदायत की दुआ पे कर देने। तो हजरात किस किस मुकाम पढ़िए, मेरे तेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो असलाम रहमत बन के आए ने, कितनी के रहमत अल्लाह पाक ने जिक्र किया है। आवेख मेरे और तेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम काफरां वास्ते भी रहमत, मुवाहिदीन वास्ते भी रहमत, ते मुशरकीन मक्का वास्ते भी रहमत ने। आ सही मुस्लिम शरीफ लिखा है मेरे तेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दा साहबी सही नाबू हरारा इबादत वाले 360 बूतां पूजन वाले असि एक खुदा की इबादत करने, मुशरकीन मक्का साढ़े ते बड़े बड़े जुलम कर रही है, रात जुलम की भी इंतहा हुई है। कि मेरे तेरे महबूब पैगंबर इस्लाम दे सहाबा ते जुलम उन्हां दा तलवारां नाल सर तो गर्दना जुदा कीतियां गईयां ने। कदे वेखो ना सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा दे दो टुकड़े कर दिते गए, एक पैर एक ऊंटना बन्ना, दूसरा मुखालफ सिमत दूसरे ऊंटना बन दिता है, ते चुन चला दिता गया दोनों ऊंटा नूं। सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हा दे दो जिस्म दे टुकड़े कर दिते गए ने। इस तो भी और ज्यादा भी जुलम होए ने। कदे मेरे और तेरे महबूब पैगंबर अग ते लिटा दिता गया है कोलियां दे उपर, किते मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबा ते इंदे भी जुलम होए, ते तीरे दे उपर गरम रेत दे उपर लिटा करके भारी पत्थर रख दिते गए ने। हज़रा ए मेरे महबूब पैगंबर मक्के दे मुशरकीन वास्ते बिरामत बन करके आए ने। ए मोमिनीन दी जमात आईए अंधे अल्लाह दे महबूब जी इन्हां वास्ते बद दुआ करो कि अल्लाह इन्हां नूं तबाह कर देवे। अन उदू अलल मुशरकीन, महबूब जी इन्हां वास्ते बद दुआ कर देवो, अल्लाह मुशरकीन नूं खत्म कर देवे। मेरे तेरे महबूब ने फिर दुआ कीती, फरमाया मेरे सहाबा इन्नी लम उबिस्तु लआनन व इन्नमा बुइस्तु रहमतन, मेरे सहाबा मैं लानत करन वास्ते नहीं आया, मैं ते रहमत तकसीम करने वास्ते आया। ये अल्लाह दे नबी सल्लम दुनिया ते तशरीफ लियाए हर इंसान वास्ते, काफर ने तो उन्हां वास्ते बिरहमत, मुसलमान ने तो उन्हां वास्ते बिरहमत, कलमा गोन ते उन्हां वास्ते रहमत, ते मुशरकीन ने तो उन्हां वास्ते भी रहमत। हजरात आइए एक और मुकाम, मेरे और तेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम काफरां वास्ते किस तरह रहमत बने ने। आइए आ कौन मेरे और तेरे महबूब पैगंबर दा साहबी है, सही बुखारी शरीफ च लिखा है सैयदना तुफैल दौसी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हो, ये दौस कबीले दा सरदार है। ये जनाब तहामा जगह ते रहिंदा, मुकाम तहामा ते उत्थे दी रहायश। एक दिन इन्हें प्रोग्राम कीता है, प्रोग्राम बना लै के अज बैतुल्लाह शरीफ की जियारत करिए। गया है बैतुल्लाह शरीफ, मक्का मुआजमा पहुंचा, मक्के दे मुशरकीन काफिरीन मुनाफिकीन सारे इकट्ठे हो गया ने। आंदे ने पता चलिया है कि दौस कबीले का सरदार तशरीफ लिया रहा है। जदों मक्का मुआजमा तो बार बार इस्तकबाल किया, खुश आमदीद आख्या, जी आया नु आख्या, जदों आए ने तो घर जाके खाना खिलाया। आंदे ने तो फैल असी तू एक नसीहत करने, एक नामे मुहम्मद मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बंदा ही वंदा, मैं नबी हाँ, एक अल्लाह की पूजा करो, आ 360 खुदावां की पूजा ना करो, इन्हों के नाम की नजरों न्याज ना पेश करो, एक खुदा की खुदाई दसदा ही तुफैल उनके करीब ना जावी, नहीं ते तेरा भी दीन चला जाएगा, बाप दादे दा दीन छोड़ पवेगा। सैयदना तुफैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, आखिरकार मैं भी सरदार सी, जदों मैं मक्का मुआजमा चिर दिन गुजारे, मैं एक दिन जेन बनाया कि जाके बैतुल्लाह शरीफ जेड़े 360 बुत रखे ने उन्हां दी इबादत करा, तो उन्हां तो बरकत हासिल करा। इन्हां दा जेन सी बरकतां नाजल होंदियां ने ते बुतां दी वजह तो, रहमतां नाजल होंदियां ते बुतां दी वजह तो, आखिरकार इन्दा बुत परस्त सी, बुत परस्ती वाला जेन सी आया बैतुल्लाह शरीफ दे सेन विच। की वेखदा है अल्लाह दे नबी सल्लम नमाज पढ़न खड़े हो के नमाज कुरान दी आवाज आ सुनिए, ते कहंदा तू फैल मैं दूर खड़ा सी, मैं अल्लाह दे नबी दी जबान चु कुरान सुनिया, मैं करीब 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 हो गया। आखिरकार अल्लाह दे नबी दे बैक
साइड बैठ पीछे बैठ गया। अल्लाह के नबी नमाज मुकम्मल की, उठे तो घर की तरफ तशरीफ ले गए। तो जो अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, मम्मी चलता चलता अल्लाह के नबी के घर गया, दरवाजे दस्तक की दी, अल्लाह के नबी तशरीफ लिया। फरमाया महबूब जी मैं तो फैल दोषी दोस्त कबीले का सरदार हाँ, मक्का विच रहने वाले मुशरकी ने मैनु बड़ा डराया धमकाया सी, हत्ता के मेरे कन्ना च रूई पवा दिती है कि तू फैल तो गल नहीं सुननी। अल्लाह के नबी जी मैं थोड़ा कलाम सुनया है, ये कलाम मेरे दिल से असर कर गया है, बड़ा प्यारा कलाम है, मैनु कलमा पढ़ाओ तो मुसलमान कर लो। सैयदना तुफैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन मुसलमान हो गए। कुछ अरसा मक्का मुअज़्ज़मा च गुजारिया है, अलगरद मुख्तसर तो हज़रात जदो अल्लाह नबी दा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, आंदा अल्लाह दे रसूल मैं हुण जा रहा वापस अपने कबीला दोस विच, ते मेरे वास्ते दुआ करो अल्लाह मैनू कोई ऐसी निशानी अता करे कि लोग वेख के भी कलमा पढ़ लवन। अल्लाह दे नबी ने दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह तुफैल वास्ते कोई निशानी जहर कर दे। सैयदना तुफैल कहंदे ने मेरे मथे दे उपर इंज चमक सी जिवें एक बल्ब या लाइट दी चमक होंदी है। मैं भी दुआ की, मेरे अल्लाह ए मेरे रहने वाले कबीले वाले वेखणगे, ये शक करणगे, आखणगे जे तू कलमा पढ़िया है इस बुत्तां दी पूजा तू हट गया, ते बुत्तां दी बददुआ तैनू लग गई है। मेरे अल्लाह इस मेरी रोशनी नू बदल के मेरे किसी और हिस्से ते ला दे। ते सैयदना तुफैल कहंदे फिर जरा मेरे को आसा छोटा सी जरा मेरे को नेजा सी और रोशनी मेरे उस नेजे दे ऊपर आ गई है, मैं रात नू चलना ते वो रोशनी चलन लग पैंदी है। आखिरकार मैं आया कबीले विच, कबीले वाले नू आके दस्या, आपदे बाप नू दस्या ते बीवी नू दस्या, उन्होंने कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए ने। सैयदना तुफैल रज़ी अल्लाह अन्हु कहंदे ने मैं आपदी कौम नू बड़ी वसीयत की, कलमे की बड़ी दावत दी, लेकिन उन्होंने किस्मत विच नहीं सी ना कलमा पढ़िया। मैनू गुस्सा आया, मैं चलदा चलदा अल्लाह दे नबी कोल आ पहुंचा, उंदा महबूब जी मेरी कौम जेड़ी है उस कलमा नहीं पढ़ रही, ते उन्हां वास्ते तुसी बददुआ करो कि अल्लाह उन्हां नूं गर्क कर देवे, तबाह कर देवे। मैं बड़ी तबलीग कीती है, ला इला इल्लल्लाह दस्या है, मुहम्मद रसूलल्लाह लोगों नूं दस्या है, उन्हां ने नहीं मन्या, उन्हां वास्ते बददुआ करो। साहबिया रसूल बयान करदे अल्लाह दे नबी सल्लम ने हाथ बुलंद किए ते की आख्या, फरमाया अल्लाह महद दौसन फआति बिहिम, अल्लाह मैं तेरा नबी दुआ करना कबीला दोस नु हदायत दे दे ते मेरे कुल तशरीफ ले आवन। साबिया रसूल कहंदा अल्लाह दे नबी ने दुआ कीती, ते नबी पाक ने फरमाया तफैल जा हुन जा कौम नु कर वाज, हुन उहनां नु ला ला अल्लाह दी तबलीग कर, बुत्तां दी पूजा तू रोक, एक अल्लाह दी वादा नियत दी दावत दे। तो सैयदना तुफैल कहंदे मैं आ करके फिर अल्लाह दे नबी दे आके अल्लाह दे नबी दे दस्या वजीफा आपदी दसी हुई तलीम आ करके कौम नूं सुनाई, ते उस वक्त उन्हां लोगों ने जिहड़े इनकार करदे सन नबी अलैहिस्सलाम दे मुखालफ ते दुश्मन सन इस्लाम दे दुश्मन सन, अल्लाह दे नबी ने दुआ की, मैं आके तबलीग की, ते मेरी तबलीग दे नाल 80 घरानियां ने कलमा पढ़ के इस्लाम च दाखिल हो गए। तो मालूम होया अल्लाह दे नबी सल्लम काफरां वास्ते भी रहमत, मुशरकी ने मक्का वास्ते भी रहमत। तो हजरात मेरे और तेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस किस वास्ते रहमत ने, तो हजरात आइए आखिरी हदीस पाक पढ़न लगा। मेरे और तेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम हर इंसान वास्ते रहमत बनकर आए ने, अल्लाह दे नबी अपने वास्ते भी रहमत, सहाबा इकराम वास्ते भी रहमत बन करके आए ने। एक सहाबिया रसूल है सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, इस जाबर दा बाप जंग विच शहीद हो गया है, इस इस्लाम तू पहले इंदे उपर करज सी, तो ओ मक्का विच रहन वाले लोग आ गए, आंदा जाबर तेरे बाप दा कर्जा है कर्जा वापस कर दे, नहीं ते तेरी बहना नू चुक लवांगे। अस्तगफिरुल्लाह, सैयदना जाबर ज़िल्लाहु ताला दी 9 बहना सन, आंदा जाबर जे तू कर्जा वापस कर दे ते ठीक है, नहीं ते आ तेरे नाल इस तरह दे मामलात होणगे। सैयदना जाबर ज़िल्लाहु ताला परेशान हाल विच आ गए अल्लाह दे
नबी दे कोल मस्जिद नबी तशरीफ लिया ने आका दी आ मक्के आलन वाले लोग कह रहे ने कि साडा कर्जा वापस अदा कर नहीं तो इस तरह का तेरे नाल ज़ियातियां हो जाएगियां। सैयद जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछा अल्लाह दे नबी ने फरमाया मेरे जाबर तेरे कोल की चीज है आंदा महबूब जी खजूरां दा छोटा जिहा बाग है उस बाग दे खजूरां दे नाल चंद बंदियां दा कर्जा अदा होएगा बाकी दा फर फिर रह जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे जाबर जा तू उन्हां खजूरां नूं उतार उन्हां दी ढेरियां लगा दे जिन्हां जिन्हां दा कर्जा लेना उन्हां नूं बुला ले ते जब तक मैं ना आवां उन्हां नूं कर्जा अदा नहीं करना। तो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लियाए आप अलैहिस्सलाम ने आ करके उन्हां खजूरां दी ढेरियां च खड़े होकर दुआ की रहमत दी अल्लाह पाक ने इतनी रहमत नाजिल की फरमाया जाबर मेरे इन्हां काफरां नूं दे दे इन्हां दा जितना कर्जा सी ते इन्हां नूं दो दो सा यानी दो दो टोपे और ज्यादा अजाफी भी दे दे। नबी अलैहिस्सलाम दा साहबी कहिंदा है अल्लाह दे नबी ने दुआ की मैं कर्जा भी अदा किया अजाफी खजूरां भी दे दित्तियां फिर मेरिया खजूरां उतनियां दी उतनियां बाकी बच गई। तो मालूम होया अल्लाह दे नबी सल्लम मुशरकीन वास्ते काफरीन वास्ते हर इंसान वास्ते रहमत बन करके आने। तो हजरात ये तो मोमिनीन ने जिन्ना वास्ते अल्लाह दे नबी मोमना वास्ते बिरहमत काफरां वास्ते बिरहमत मुवाहिदीन ते मुशरकीन वास्ते बिरहमत दोस्तां ते दुश्मनां वास्ते बिरहमत बन करके आए ने। अल्लाह दे नबी सल्लम आए ने दुनिया ते जानवरां वास्ते बिरहमत ते परिंदियां वास्ते बिरहमत बन करके आए ने। हदीस पाक च लिखा है मेरे ओ तेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी बयान करदा है एक दिन मैं अल्लाह दे नबी नाल गया सफर ते सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अनु बयान करते ने एक दिन मैं अल्लाह दे नबी दे नाल सफर ते जा रहा अल्लाह दे नबी सवारी दे उपर बैठे ने मैं सवारी दे अल्लाह दे नबी दे नाल बैठा बैक साइड ते पिछली साइड ते बैठा अल्लाह दे नबी सलम चलदियां चलदियां एक अंसारी साहबी दे बाग तशरीफ ले गए। जो बाग तशरीफ ले गए ने अल्लाह दे नबी ने वेख्या है एक ऊँट बनया आया है उस ऊँट ने अल्लाह दे नबी नूं वेख के रोना शुरू कर दिता। अल्लाह दे नबी जानवरों वास्ते भी रहमत जो ऊँट ने वेख करके रोया है अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट के करीब गए ने जो करीब गए तो जा करके अल्लाह दे नबी ने उनके सर उत्ते अपने रहमत का हाथ फेरिया है उस ऊँट ने रोना बंद कर दिता है। नबी सल्लम फरमान लगे ले मन हाजल जमालू आ किस बंदे का ऊँट है वो साफिए रसूल दौड़ के आया अंदा अल्लाह दे रसूल मेरा ऊँट है फरमाया आए बंदे क्या तू अल्लाह तू इन जानवरों के बारे नहीं डरना है जिन्ना जानवरों का अल्लाह ने तुम्हें मालिक बना दिता है यानी तुहाडे कंट्रोल च कर दिता है ऊँट इतनी ताकत वाला छोटी जी नकेल पाई है इस नकेल के जरिए तू ऊँट का मालिक बन गया है क्या अल्लाह तू नहीं डरना है। अंदा महबूब जी की होया नबी पाक फरमाते हैं इस ऊँट ने रो के मेरे सामने तेरी शिकायत बयान की है। शिकायत की अल्लाह के रसूल मैं शिकायत यह है कि ऊँट शिकायत करता अल्लाह के रसूल मेरे तू कम बहुत ज्यादा लेंदा तो चारा मैनू थोड़ा पाँदा है मैनू भुख्या रखता है पर मैं मेरे सहाबी ये तेरे ऊँट ने शिकायत की है। तो हजार मालूम होया अल्लाह दे नबी सल्लम दुनिया ते तशरीफ लिया ते जानवरों वास्ते भी रहमत बन करके आए। तो अल्लाह दे नबी सल्लम दी शान और रिफत और बुलंदी का यह हाल है कि अल्लाह पाक ने पूरा कुरान भर दिता है और फरमा दिता वामा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन पूरे कुरान अंदर हर पारे अंदर अल्लाह दे नबी दी शान रिफत और बुलंदी का जिक्र है और साबका अंबिया अलैहिस्सलाम नूं जेड़े अलकाबात मुकाम अता कीते ने ओ मेरे महबूब पैगंबर इस्लाम नहीं बल्कि मेरे महबूब पैगंबर अनोखा ही और सारे जहान तो सारे अंबिया अलैहिस्सलाम तो आला और अरफा और बा कमाल वसफ रहमतुल लिल आलमीनी दा अता कीता है। अल्लाह अगे दुआ अल्लाह पाक जिंदा रखे इस्लाम दे मौन नसीब फरमाए तो ईमान वाली मौन नसीब फरमाए और सलामती वाली मौन नसीब फरमाए व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।